फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पावर हाउस का सीन दिखाने के लिए, जहाँ पर कैनल का पानी जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। साथ ही में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिकदरी घाटी का सीन। उससे पहले अगर इस चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूले। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं। ये मेरा फ्रेंड हम्प्टी डम्प्टी। चलिए तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी पेन स्टॉप, जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, जो कैनल का पानी आते हुए आगे पावर हाउस जो जाता है। चलिए तब आपको आगे का सीन दिखाते हैं। बूम, देखिए यही वो कैनल है जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था, और वही कैनल का पानी आते हुए यहाँ पे स्टोर होता है। इसको हम लोग पेन स्टॉप बोलते हैं, और यही पानी जो स्टोर होता है वो आगे पावर हाउस की ओर जाता है। मैं आपको अभी पावर हाउस ले जाऊँगा थोड़ी देर में। देखिए यहीं पे दो गेट है, दोनों साइड से पावर हाउस की ओर जाता है। चलिए मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये पहला वाला गेट आप देख रहे हैं, वो वाला गेट वाटर ओवरफ्लो हो जाता तब उसका यूज होता है। और जो सेकेंड वाला गेट है आगे देखिए, वो सेकेंड वाला गेट में उसे पानी जाते हुए पाइप के थ्रू जाता है। आपको पाइप अभी दिखाएंगे किधर है पाइप। पाइप के थ्रू आगे जाते हुए पावर हाउस जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। चलिए आप दूसरे साइड आइए, इधर मेरे साथ देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक पाइप होगा बड़ा सा, देखिए उधर बड़ा सा पाइप दिख रहा होगा। वो पाइप के थ्रू पानी जाता है और आगे पावर हाउस में जाके टरबाइन के ऊपर गिरता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और जो ये पानी आप देख रहे हैं जो जा रहा है, ये लीकेज पानी है। वैसे तो अभी इसका उतना यूज़ होता नहीं है, ये लीकेज पानी है जो ये गेट से जाता है, देख रहे हैं आप। और सीन देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्लास से इधर एक नंबर सीन। इधर हाथी भी आते जाते रहता है, परसों ही हम लोग देखे हैं यहाँ पे। चलिए तब हम आपको आगे पावर हाउस की ओर ले जाते हैं, उधर का भी सीन आपको दिखाएंगे और बताएंगे पावर हाउस किधर है। तो चलिए मेरे साथ बूम। अभी हम लोग सिकदरी घाटी पे हैं, अभी हम लोग झरना बाबा के पास पहुँचे हैं। चलिए थोड़ा आपको भी झरना बाबा का सीन दिखा दें। देखिए यही है झरना बाबा, झरना बाबा का पानी आ रहा है अभी यहीं से। अब हम लोग आगे जाएंगे पावर हाउस, चलिए तब आगे बूम। अभी हम लोग सिकदरी घाटी के ऊपर हैं। ये मेरा दोस्त हम्प्टी डम्प्टी, हाय बोलो। हाय। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग मन नहीं था, पर सीन ऐसा देख के मन कर गया फ़ोटो शूट करने का।
चलिए तब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे। घूम देख सकते हैं आप, हम लोग घाटी के ऊपर है और घाटी के ऊपर से अभी जो पावर प्लांट है सोनरेखा विद्युत परियोजन गृह यहाँ से दिख रहा है, वो उसका गेट है। चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं और यही पावर हाउस है देखिए, और ये 16 अगस्त 1977 को बना था और यहाँ पे 65 मेगावाट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अंदर तो अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो आपको हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, कहाँ से पानी गिरता है वो दिखाएंगे। और तब चलिए दूसरे साइड ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए। हम लोग पीछे साइड जा रहे हैं पावर हाउस के, पीछे साइड से आपको दिखाते हैं पावर हाउस का सीन जहाँ पानी गिर रहा है, आवाज़ आ रहा होगा सुन सकते हैं आप। तो चलिए आपको आगे जाके दिखाते हैं अच्छी तरह से। पीछे साइड पहुँच चुके हैं, देखिए इधर पावर हाउस पीछे साइड से आपको दिख रहा होगा और आपको कुछ साउंड भी आ रहा होगा, ध्यान से सुने। चलिए आपको दिखाते हैं क्या किस चीज़ का साउंड आ रहा है। देखिए साउंड, किस चीज़ का साउंड आपको आ रहा है देख रहे हैं, आपको हम बैक कैमरा से शूट करके दिखाते हैं। चलिए तब देखिए किस टाइप से पानी गिर रहा है यहाँ पे। और ये आगे जा रहा है, यही पानी आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ये पानी अब आगे जाएगा पावर हाउस नंबर टू है जो आपकी हुंड्रू फॉल में है पावर हाउस नंबर टू, फिर वहाँ पे भी ये पानी और एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वहाँ ये पानी से, फिर वो वहाँ से फिर टाटा चल जाता है। देख रहे हैं कितना डेंजरस लग रहा है यहाँ पे नज़ारा, देखिए पहले से अभी और स्पीड हो चुका है, ये किस टाइप से अब दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, जो पहले मैंने अभी दिखाया था पेन स्टॉप जो फर्स्ट गेट था जो आपको बोल रहा था कि ओवरफ्लो हो जाता है तब वो गेट खुलता है, तो अभी वाटर वहाँ पे ओवरफ्लो हो चुका है क्योंकि डैम से पानी जो छोड़ रहा है वो वहीं पे आके स्टोर हो रहा है और वही पानी तक जो गेट है वो खोल दे रहा है, तब वो गेट खोलने पर पानी इधर आ रहा है। अभी और स्पीड हो चुका है क्योंकि गेट और ज़्यादा खुल चुका होगा इसी कारण, पहले तो और स्पीड हो चुका है। देखिए आप यहाँ पे देखिए आप किस टाइप से है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है देख रहे हैं आप किस टाइप से स्पीड से जा रहा है पानी का, उधर देखो सायरन पहले ही बच चुका था, थोड़ा सा लेट कर गए हम लोग, सायरन पहले ही बच के वार्निंग कर दिया था कि जो कोई भी इधर नहा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आसपास हैं कृपया होके दूर चले जाए क्योंकि नहर खुल चुका है। देख लीजिए आप, कभी भी अगर फ्री टाइम हो फोटोशूट के लिए सिकुदरी लोकेशन गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट प्लेस है, लेकिन आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। तो चलिए तब सिनेमेटिक शॉट्स लेकर दिखाते हैं।
यहाँ का शूट हो चुका है, अब चल रहे हैं हम लोग ऊपर घाटी साइड। ऊपर साइड आ चुके हैं हम लोग, चलिए तब आपको कुछ सीन दिखाते हैं ऊपर साइड से। लोग यहीं पेन स्टॉप पाए आपको दिखाने के लिए, क्योंकि रहा नहीं गया मुझसे देखने के लिए, क्योंकि गेट खुला हुआ है। अभी कुछ सीन देख सकते हैं किस टाइप से पानी है, कैसे पानी जा रहा है अभी गेट से। दूसरी साइड आइए, दूसरी साइड आपको लेके चलते हैं, देखिए उस टाइप से किस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सीन, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तब चलिए, तब चलते हैं, अब शाम हो चुका है, घर अब चलते हैं हम लोग। और देख जैसा कि मैंने आपको दोबारा आपको यहाँ पे आके दिखा दिया, गेट खुल चुका है इसलिए, और इधर का भी सीन दिखाने के लिए हम इसीलिए दोबारा यहाँ पे आए। तब चलिए, तब चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तब आपको कैसा लगा सीन कमेंट करके मुझे बताइए कि सीन आपको कैसा लगा। और मैं आपको बोलूँगा कि मस्ट बी विजिट, क्योंकि यहाँ का सीन बहुत ही मज़ेदार है देखने को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ किस टाइप से पानी गिर रहा है यहाँ पे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने भाई का चैनल को, और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अपकमिंग वीडियो ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।